पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब सरकार द्वारा राज्य के 800 प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा है कि जिसको भी फैसले के खिलाफ ग्रीवेंस सेंस है वह एजुकेशन सेक्रेटरी कृष्ण कुमार को एक हफ्ते में अपनी समस्या बता सकते हैं और एजुकेशन सेक्रेटरी 15 दिन में उस समस्या का हल निकाल देंगे। बता दें कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 20 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले सरकारी प्राइमरी स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने का फैसला लिया है। इस केस में आज बस ये हुआ है कि पंजाब सरकार ने बोला है अगर किसी को भी कोई दिक्कत है और अगर कोई भी स्कूल 1 किलोमीटर के रेडियस से बाहर है तो वो अपनी ग्रीवेंस लेके आके सेक्रेटरी एजुकेशन से मिल सकते हैं और वहीं पे उसका सारा मामला सुलझा दिया जाएगा। इसमें कोई ये डिस्पोज ऑफ हो गया है और अगर किसी को भी ग्रीवेंस है वो आके अपने वहाँ पे सेक्रेटरी एजुकेशन को मिलके अपनी वहाँ पे ग्रीवेंस बता सकते हैं और वहाँ 15 दिन के अंदर वो रिजॉल्व हो जाएगी। एक हफ्ते के अंदर जब भी, क्योंकि 30 नवंबर तक डेडलाइन है कि सारे स्कूल्स मर्ज हो जाएंगे, तो उससे पहले आप आके अपनी ग्रीवेंस दे सकते हैं और सेक्रेटरी साहब 15 दिन के अंदर वो रिजॉल्व कर देंगे।